हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ और मेरे पार्टनर मोहम्मद फैसल हरकत में है बरकत अपने चैनल। ईद मुबारक अगेन। ईद मुबारक अगेन। हाँ जी, तो ये वीडियो बनाने का खास मकसद है पॉइंट आउट करना। हमने पिछली वीडियो आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह, उसमें तो टीम सिलेक्शन पे बात कर ली, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है चांसेस। यानी हम यहाँ पे बुक मेकर्स बैठे हैं और चांसेस पे बात करेंगे कि क्या चांसेस है पाकिस्तान के सर्वाइवल के। पहली बात सर्वाइवल और दूसरी बात जीतना। फैसल साहब, मेरे हिसाब से तो अगर ये पहले टेस्ट मैच में थोड़ा सा यानी टॉस जीत जाए तो पहली फुर्सत में बैटिंग करनी चाहिए एक बार, और बैटिंग करके बस ये कोशिश करें किसी तरह अगर इनके बैट्समैन फंस के, दो दिन तो बहुत मुश्किल है, डेढ़ दिन भी बैटिंग कर लें और किसी तरह 400 450 रन बोर्ड पे लगा लें, क्योंकि उसके लिए जरूरी होगा कि जो आपके ओपनर हैं वो कम से कम पहले 2-3 घंटे निकाल जाएं, और उसके बाद फिर आपके पास नीचे जो मिडिल ऑर्डर में असद शफीक और बाबर आजम है, दे कैन स्कोर क्विक रन्स। क्विक रन्स का मतलब ये नहीं है कि ये छक्के मारेंगे, लेकिन ये बाउंड्रीज मारते हैं अच्छे। असद शफीक का कट पुल अच्छा है और बाकी बाबर आजम की जो ड्राइव्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, तो और हम देख भी चुके हैं कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका में स्टेन के साथ जिस तरह खेला था, तो और फॉर्म में भी है बाबर आजम, तो इसलिए मेरा ख्याल है इनका प्लान यही होना चाहिए कि किसी तरह डेढ़ दिन मिनिमम बैटिंग करें और 400 से 500 के दरमियान जो भी टोटल बोर्ड पर आए उसके बाद फिर अपनी कोशिश करें कि इंग्लैंड को जो है वो उसी रन टोटल के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें। एक चीज जो बड़ी अहम है, लास्ट जो पाकिस्तान 2016 में, खैर 18 में भी किया था, लेकिन 16 में जो इंग्लैंड में सीरीज खेला था, बहुत अच्छा टारगेट किया था सोहेल खान ने इंग्लिश बैट्समैनों को, और अगर आपकी स्लिप कैचिंग अच्छी हो और सोहेल खान उसी तरह की आउट स्विंगर कराए तो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर काफी वल्नरेबल है, ये तो आपका चांस बन सकता है। चांसेस हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा मैं। आप जब स्किल आपके पास होती है ना, टैलेंट सब आपके पास होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं ना, वो जो एक सर्कल है 120 यार्ड का 100 यार्ड का, आपको उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने प्लान की। क्या प्लान बनाना है किस बैट्समैन के लिए, बहुत सीधा है आजकल तो, कोई इतना बड़ा नहीं है। फोर्थ स्टंप फाइव स्टंप की बॉलिंग आप करा रहे हैं, आप सरप्राइज डिलीवरी अपने पास रखें, चाहे वो फुल पिच हो चाहे वो शॉर्ट पिच हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन करें। स्लिप फील्डर्स वो खड़े करें जो कैच पकड़ सकते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉरवर्ड शॉर्ट लेग लें। अगर स्पेशलाइज्ड आपने बॉलिंग करानी किसी बैट्समैन का, आप हुक पुल आपको लग रहा है कि थोड़ा वीक है, तो आप पहली बॉल से उसके लिए मिड विकेट पीछे रखें। ये नहीं कि आप उससे चार चौके खा चुके हो, उसका कॉन्फिडेंस यहां है, सारी कॉन्फिडेंस की बात। आप कॉन्फिडेंस उसका जरा सा ऊपर हुआ, वही शॉट छह पे मारेगा, वो कैच नहीं देगा किसी को। तो अजहर अली को प्लान करना पड़ेगा, चांसेस जब ही जीतने के पड़ेंगे जब आप अपना प्लान बनाकर जाए मैच के अंदर, उस जगह पे खड़े होकर प्लान ना बनाए, पहले से प्लान गया। और ब्रॉड ने वार्नर को 10 दफा आउट किया, 9 दफा आउट किया, 10 दफा में से 9 के 9 दफा वो जैसे ही आता था राउंड द विकेट आ जाता स्ट्राइक, कुछ नहीं सोचेंगे, वार्नर एक चौका मारेगा आप सब गए, आप सब प्लान आपका डस्टबिन में चला जाएगा। सही है, तो उसने प्लान ये करना है। रूट को प्लान करें, रूट का ऑफ स्टम्प चौथे स्टम्प की बॉलिंग पे बहुत वीक है, आपको फुल पिच करानी है उसको, शुरू की 4-5 गेंदें और एक इन स्विंगर करानी है, दैट्स इट, रूट का काम हो जाएगा। अगर वो नहीं सेटल हो पाया उनमें तो एक ओवर डेढ़ ओवर में आउट हो सकता है, लेकिन अगर वो एक डेढ़ ओवर खेल गया तो फिर वो लंबी स्कोर करेगा, वो 100 के करीब लंबी रेस का घोड़ा है भाई वो लंबी। इसी तरह बेन स्टोक्स को आपने कहाँ गेंद करानी है, जैसे कीमा रोच ने कराई थी, आपको उसे राउंड द विकेट इन स्विंगर्स करानी है, आउट स्विंगर्स पे उसको आप वो करें, पैट करें और इन स्विंगर्स आप उसके ऊपर इम्प्लाई करें। ये चीजें आपको गेम प्लान बनाकर जाना पड़ेगा, आपको उनके मोरे गिराने, मैच के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। स्लिप कैचिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और मिड विकेट और ये जो नॉर्मल कैचेस होते हैं बिल्कुल आपने कोई ब्लंडर नहीं करना, अगर ब्लंडर करेंगे तो आप चांसेस अपने खुद ही, पाकिस्तान हारता ही अपनी ही गलतियों की वजह से। जब हम चेस करने जा रहे होते थे, एक जमाना था हमारे पास जब तक सरफराज नहीं आया था, हम बड़ा अच्छा चेस करने जा रहे होते और अचानक से 2-3 विकेटें गिरती थी और दम करके हम जमीन पर गिर जाते थे। क्यों? जो बैट्समैन मिडिल में होते थे उनको भी प्लान नहीं पता होता था कि कितने बॉल्स में कितने रन बाकी हैं, मैं कितनी कौन सी बॉलर पर चौके मार सकता हूँ, ये सब चीजें आप अपने दिमाग में बनाकर जाएंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ये तो प्लेयर्स को अपनी मैनेजमेंट खुद करनी होती है, ये उनके माइंड में बिठाना होगा कि आपने ये काम करना है जाके, ये नहीं कि जाए और बस अल्लाह अकबर बोल के, जैसे हॉकी में होता है अल्लाह अकबर बोलो और चलो भाई, जो चांसेस
मेरी तरफ से इंग्लैंड 60 पाकिस्तान 60-40 है। जब तक मैच की अगर कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान ने टीम सिलेक्शन पे बहुत डिपेंड करेगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, टीम सिलेक्शन जो है ना वो 60% आपको मैच जितवा देती, फिर आपको एफर्ट ग्राउंड में रह जाती। देखते हैं इंशाल्लाह ताला, चले होप फॉर दी बेस्ट। पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं, इनकी तमाम तर बेवकूफियों के बावजूद तमाम तर जो कुछ ये करते रहते करेगा। बहरहाल दुआ तो हम अपनी के लिए करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय। कुर्बानी का गोश्त खाएं, बारबेक्यू करें, मजे करें, लेकिन एहतियात के साथ हाँ। अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े। इंशाल्लाह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय दोनों चैनल्स दोनों चैनल्स चलेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।